प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ए टू जेड क्लासेज में। आज मैं आप लोग को वर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा का वर्णन करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में आप वर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक निकालने के लिए सिखलाए थे। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को वर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक निकालने के लिए सिखा रहे हैं। जब ग्रुप के रूप में डाटा रहे, मतलब यहाँ पर क्या रहे, वर्ग अंतराल दिया हुआ रहे, क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता है, तो उसको ग्रुप्ड डाटा बोला जाता है, वर्गीकृत आंकड़ा। तो इसका माध्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इधर हम लोग कंसेप्ट भी देते जाएंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इधर क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल, इसको हम लोग वर्ग अंतराल कहते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी हिंदी में बारंबारता बोलते हैं। तो बारंबारता दिया हुआ है, तो यहां पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है। यही क्या है, ग्रुप्ड डाटा दिया हुआ, मतलब वर्ग अंतराल के रूप में। इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5, इसका दिया हुआ है 3, इसका 6, और इसका दिया हुआ है 2, और इसका दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, यहां पर भी 5 दे दिया जाए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो इस क्वेश्चन का हमको क्या निकालना रहेगा, मीडियन निकालना रहेगा। तो मीडियन निकालने का कंसेप्ट अब हम लोग को, आप लोग को बतलाते हैं। तो कंसेप्ट इधर देखिए कि क्या है रूल, मतलब किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टेप 1 में क्या करना है हम लोग को, स्टेप 1 में हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, संचयी बारंबारता, LITIVE, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, हिंदी में क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता का संकेत होता है CF। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। तो CF किस तरह से निकलता है वो मैं आप लोग को स्टेप 1 सिखलाने जा रहे हैं। तो CF संचयी बारंबारता, मतलब बारंबारता को ऐड करना। तो यहां से फर्स्ट वाला को वही उतार देते हैं, फिर इसमें 3 जाके जोड़ते हैं, तो 3 जुटेगा, जाके ऐड करना है, तो 5 में 3 जुटेगा तो कितना, 8। फिर इसमें 6 को ऐड करेंगे, तो 8 में 6 ऐड करेंगे तो कितना, 14 हो जाएगा। फिर 2 जाके जुटेगा तो कितना, 16। फिर 2 जाके जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 16 5 21 हो जाएगा, मान लिया जाए यहाँ पर कुछ भी। तो यहाँ पर क्या हो गया, टोटल ऐड करके यहाँ पर, तो फर्स्ट हफ्ते में क्या किए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता निकालने। तो संचयी बारंबारता में फर्स्ट वाला को वही उतारते हैं, फिर बारी बारी से क्या करते हैं, इसको ऐड करते हुए जाते हैं। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में हम लोग को यन निकालना रहता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको बोलेंगे क्या, बारंबारता का योग, बारंबारता का योग। तो बारंबारता का योग करेंगे तो जोड़ते हैं, क्या आता है यन का वैल्यू, टोटल 5 3 8, 8 6 14 2 16 5 21 हो जाएगा। फिर यन बटे 2 निकालेंगे, तो यन बटे 2, 21 बटे 2 कितना हो जाएगा, 10.5। तो यन निकल गया और यन बटे 2 का मान हो गया 10.5। तो स्टेप 2 निकल गया। अब हम लोग को स्टेप 3 में फॉर्मूला लगाएंगे, स्टेप 3 में हम लोग मीडियन क्लास निकालेंगे। सबसे पहले स्टेप 3 में क्या निकालेंगे, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या होता है, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग।
तो मीडियन क्लास क्या होता है, एन बटे टू से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग। तो क्या लिखेंगे, एन बाई टू से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग। तो एन बटे टू से अधिक सीएफ वाला वर्ग। तो एन बटे टू से अधिक सीएफ वाला वर्ग, तो एन बटे टू साढ़े दस, तो साढ़े दस से अधिक वाला कौन है, चौदह है। तो यही हमारा क्या कहला जाएगा, मीडियन क्लास कहला जाएगा। तो मीडियन क्लास क्या है, एन बटे टू से ज्यादा सीएफ वाला वर्ग क्या कहलाएगा, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास आ गया। अब हम लोग स्टेप फोर में क्या करेंगे, स्टेप फोर में हम लोग मीडियन का फॉर्मूला देखेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है क्या, माध्यक का फॉर्मूला, एल प्लस एन वाई टू माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच। यही फॉर्मूला है हम लोग को क्या, माध्यक निकालने का फॉर्मूला हो गया। वेयर वेयर एल क्या है, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन मीडियन क्लास, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। एल बराबर क्या लिखेंगे, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। एन बटे टू क्या है, एन बटे टू आप लोग जान रहे हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बटा टू। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ फोर फ्रीक्वेंसी बाई टू, हिंदी में क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता का योगफल बटा टू। सी एफ क्या है, सी एफ क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, तो मीडियन वर्ग के जस्ट बिफोर वाला सी एफ, मीडियन वर्ग के जस्ट बिफोर वाला सी एफ। तो सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मीडियन क्लास, जस्ट बिफोर मीडियन क्लास। तो हिंदी क्या देखेंगे इसका, मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाला संचयी बारंबारता। एफ क्या होता है, मीडियन क्लास का संचयी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास मतलब माध्यक वर्ग का बारंबारता। हिंदी में क्या लिखेंगे, माध्यक वर्ग का बारंबारता। तो एफ तक जान गए। तो यहां से आप देखिए प्रत्येक का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो एन बटा टू का वैल्यू निकल गया है, नेक्स्ट हम लोग यल का वैल्यू निकालते हैं। तो यल क्या होगा, लोअर लिमिट, तो यल इक्वल टू 20 हो गया। फिर सी एफ क्या हो गया, जस्ट पहले वाला, तो जस्ट पहले वाला ये सी एफ काल आ गया। एफ क्या काल आ गया, तो एफ का वैल्यू 6 आ गया है। तो सी एफ हो गया 8 और एफ का वैल्यू हो गया 6 और एक एच बचा हुआ है। तो एच क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 30 माइनस 20 बराबर 10। तो यहाँ से हम सभी निकाल लिए। अब मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं, मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन का कंसेप्ट आप लोग जानते हैं क्या, एल प्लस एन बटे टू माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच। तो प्रत्येक का वैल्यू पुट करो, तो एल के जगह पर क्या करेंगे, 20 प्लस एन बटे टू का मान कितना आया, साढ़े दस, तो 10.5 माइनस सी एफ के जगह 8 अब बटे 6 अब गुना 10। तो क्या हो गया, 20 प्लस साढ़े दस में से 8 जाएगा तो 2.5 अब बटा 6 हो जाएगा, बड़ा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो 25 गुना 5 गुना 10 यही हो गया। तो यहाँ पर हो गया कितना, 6 × 12, तो 6 × 12 हो गया। तो क्या हो गया, 20 प्लस
पांच बटे बारह, छेदनी बारह, पांच बारह से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, तो बीस प्लस जीरो बार में लगेगा तो पचास हो जाएगा। अब बरचौक अड़तालीस, चार बार में दो बच गया, बीस बचा तो बीस बन गया, फिर लगेगा एक बार में तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 20.41, यही क्या आ गया हमारा मीडियन आ गया। तो मीडियन का कंसेप्ट समझने के लिए हमारे स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, प्रत्येक स्टेप को शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को बतला रहा हूँ, इसी आधार पे आप लोग कंप्लीट कंसेप्ट के साथ देखिएगा कि किस तरह से बनाया जाता है। तो कंसेप्ट जो दिए हैं स्टेप करके, प्रत्येक स्टेप को देखना है कि संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, मीडियन क्लास किस तरह से निकाला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल लेते हैं जीरो से दस, दस से बीस, बीस से तीस, तीस से चालीस, चालीस से पचास, पचास से साठ, कितना उड़ा सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एफ दिया हुआ है सब बारंबारता, तो इसका दिया हुआ है दो, पांच, आठ, तीन, दो दे दिया है, फिर यहाँ पर चार दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने का सबसे पहला कंसेप्ट क्या, हम लोग सी एफ निकालेंगे। तो सी एफ निकालने का मकसद क्या है, प्रत्येक को ऐड करना। तो फर्स्ट वाला टू रह जाएगा, पांच जोड़ेंगे सात, सात में आठ जोड़ेंगे पंद्रह, पंद्रह तीन अठारह, अठारह दो बीस, अब बीस और चार चौबीस, यही जो ऐड करके आएगा, एन का वैल्यू होता है चौबीस, तो एन बटे टू हो जाएगा क्या, चौबीस के आधा कितना बारह हो जाएगा, तो यहाँ ट्वेल्व। तो ट्वेल्व से बड़ा वाला जो सी एफ रहेगा, तो ट्वेल्व से बड़ा वाला सी एफ कितना है, पंद्रह है, तो यही हमारा हो जाएगा क्या, मीडियन क्लास। तो सबसे पहला काम है एन बटे टू से ज्यादा वाला जो संचयी बारंबारता होगा उसके क्लास को हम लोग मीडियन क्लास बोलेंगे, और इसके ऊपर वाला सी एफ कहलाता है, और ये एफ कहलाएगा, और यहाँ पर ये एल बराबर बीस कहलाएगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकल गया, एल इजक्वल टू बीस, सी एफ इजक्वल टू निकल गया कितना सात, एफ इजक्वल टू आठ, और क्या एन वाई टू का वैल्यू निकल गया कितना बारह निकला हुआ है, एच का वैल्यू क्या निकालते हैं बी तीस माइनस बीस, तो तीस माइनस बीस करेंगे दस। अब मीडियन का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो मीडियन बराबर होता है एल प्लस एन बटे टू माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच, तो एल का वैल्यू पुट करते हैं बीस, एन बटे टू के जगह पर बारह, माइनस सी एफ के जगह सात, अब बटे आठ, अब गुना एच के जगह दस, तो क्या करेंगे बीस प्लस बारह में से सात गया पाँच, अब बटे आठ गुना दस, तो यहाँ से काटेंगे तो दो बार में काटेंगे तो चार, और दो बार में काटेंगे तो पाँच, तो कितना हो गया बीस प्लस पच्चीस बटे चार, तो इसको काटते हैं तो बीस प्लस छेचक चौबीस, चार बार में छः बार में कटा, फिर बचा हुआ है एक, तो दस हो गया, तो कितना बार में लगेगा दो बार में लगेगा, फिर बीस हो गया पाँच बार में लगेगा, तो कितना हो गया छब्बीस दशमलव दो पाँच। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मीडियन का जो वैल्यू आएगा वो मीडियन क्लास के बीच का वैल्यू होगा।